रुको नारियल मैं देख लूँ सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं घर वापस आ गई हूँ, तो रात को घर वापस आ गई थी और अब सुबह सुबह व्लॉग को शुरू करी। सुबह नहीं मतलब दोपहर हो चुकी है 12 बजे, क्योंकि मैं उठी सो के 4 बजे आई थी ना तो सो गई थी मैं। तो अब घर में आज बनाई है पूड़ी मम्मी ने, क्योंकि अमावस है। तो खत्म हो क्या हो गया और जोई को आज इतना ज्यादा प्यार से रख रहे हैं, क्योंकि इसने जोई को मारा, इसने मारा है जोई को, और इसलिए हम जोई को बहुत सारे बहुत ज्यादा ही वो कर रहे हैं और इसको सब गालियां दे रहे हैं। और ये घर में बैठी होती है तो इसको सिर्फ ठूसने का मन करता है, जैसे कि ये बेटी ये काम करेगी। काढ़ा प्रसाद नहीं है तो कड़ा प्रसाद होता है। करा दी मेरे गलत पंजाबी में फंस गए तुम भाई। बेटी वंशिका के पीछे पड़ी हुई है, उसको लग रहा है कि ये पूड़ी ना खा ले, जा तू खा अपनी खाओ। तो आज हम आवास है इसलिए मम्मी ने आज खीर, ये तो छोले भी गए हुए हैं, छोले बनाएंगे दोपहर में ये रही। तो हम आवास पे खीर बनी है, दूध इन्होंने खत्म कर दिया। दूध कम डाला था क्या? पी लिया ना सारा गेनर ने। तूने भी तो बनाना शेक पिया था बना के सुबह सुबह, तो मत पी था। नहीं पिया हूँ, फ्रिज में बड़ा भी पीना है। यहाँ चला दिया इसको, इससे भी और इससे छोड़ दे जा। बेटी देखो रोहित क्या लाया है, इसको बोलते क्या यार मुझे कमेंट में बताना प्लीज। ये जो पहलवान करते हैं ना, मेरे को इसका नाम नहीं पता, शायद मैंने सुना हुआ नाम और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इसका नाम। मम्मी मेरा व्लॉग देख रही है कल वाला, मतलब आज वाला। और मैं घर आई तो मुझे पता चला कि चीना गई हुई है वृंदावन स्कूटी पे। एक बार मैं भी गई थी वृंदावन स्कूटी पे, तो आज चीना गई है। वैसे वो शनिदेव के मंदिर कोसी जा रहे थे लेकिन उसको पता ही नहीं लगा कि वो आगे निकल गए और सीधा वृंदावन पहुंच गए। तो अब वो शायद रात तक या कल आज एक दिन और लगा जाएगी, शायद आज आ जाए शाम तक। तो देखो उससे दूर हो जा, बेटी दूर हो जा, आ जा मेरे पास, आ जा तू, आओ जोई दूर हो जा उससे, आ जा जल्दी। बेटी आओ आओ जल्दी आओ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, हाथ मत लगा तू, मत दबा तू। इसको चला थोड़ा, उसका पैर कोशिश से नीचे लगा। गेरा किसने था? अबे इसकी शक्ल सुबह देख ली थी, मुझे तो लगा तू शीशा देख के उठता। आदरक से आने के बाद सबसे बड़ी सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो होता है वो है मेरे कपड़े धोना, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि मैं हमेशा एक 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 मतलब अगर एक दिन की ट्रिप है तो उसमें मैं 4 जोड़ी कपड़े लेके जाती हूँ, क्योंकि बाई चांस मैं लेके जाऊंगी ना थोड़ा फैंसी सा टॉप और बाई चांस मुझे वहाँ वो अच्छा ना लगे, अनकंफर्टेबल लगे, तो उसके लिए भी मैं 2 और ऑप्शन लेके जाती हूँ। अगर ना अच्छा लगे तो उनमें से वो पहन लूँ, उनमें से वो पहन लूँ। तो ये ऐसा मेरे को लगता है, ऐसे करते करते एक दिन की ट्रिप पे मैं 5 जोड़ी कपड़े जरूर लेके जाती हूँ। तो अब महंगे पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो गए थे, बारिश आ रही थी ना, तो अब इन सबको आज मुझे ही धोना है। तो मैं भी नहा ली और अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट कम लंच कम ले लिया, अब यही खाऊंगी और उसके बाद फिर से सोऊंगी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह 4 बजे ही आ गई थी तो अब बहुत थकान सी लग रही है। तो वेलकम अगेन, और अभी थोड़ी सी नींद पूरी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर। कल नवरात्रि का पहला दिन है और कुछ थोड़ा थोड़ा खाने का सामान भी ले आएंगे, और मेरे जिम का जो मैं खा रहा सामान पीनट बटर वगैरह भी सब कुछ खत्म हो रहा है तो वो भी लेंगे। चलो चलते हैं बाहर, और आज बारिश भी नहीं हो रही, आज मौसम फिर भी बेटर है मतलब। और अब मुझे चप्पल भी लेनी है क्योंकि मेरी चप्पल ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से, तो मुझे लेनी पड़ेगी। तो अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको पहन के जा रही हूँ मैं, क्योंकि स्कूटी पे जाना है। तो देखती हूँ अगर कोई चप्पल मिल गई अच्छी सी ऐसी कोल्हापुरी, तो कोल्हापुरी चप्पल ले लेंगे। तो कल है नवरात्रि का पहला दिन, तो उस वजह से मार्केट में रश होनी चालू हो चुकी है। तो देखो सारी दुकानों पे नवरात्रि का सामान लग चुका है, भीड़ मार्केट में भी। अरे वाह कितना अच्छा टॉप लगा हुआ है, कोई नहीं आगे देखते हैं।
तो फेस्टिवल आते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार लेके आते हैं। देखो जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन जो नीचे बिक रहे हैं ना, सही दुकान में माता की चुनरी, और देखो कितना रश है, कितने लोगों के लिए काम लाते हैं त्योहार। तो हॉर्न मारने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और मार्केट में इतना ज़्यादा रश है जो आपको दिख ही रहा होगा। तो मुझे भी थोड़ा सा सामान लेना है, लेकिन इतना रश है कि कहीं पे स्कूटी भी लगाने की जगह नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले चप्पल ले लेते हैं। तो इनमें से कुछ देखी थी मैंने, लेकिन मुझे पसंद आई है ये वाली। खुल जाएगी ना ये? तो चप्पल तो ले लिया, और अब चलो आगे चलते हैं। शक्करकंदी वाला भैया, बेर है? बेर नहीं है, शक्करकंदी बना दो। तो अभी मैं बाहर हूँ, मम्मी से पूछ लेती हूँ कि उनको कुछ सामान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मम्मी को फोन करते हैं, अगर उन्होंने उठा लिया तो। कोई सामान लाना है क्या? कुछ सामान लाना है? छेत्री लानी है। कोविड की वजह से 2 साल से ढंग से कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाए, तो इस साल बहुत ज़्यादा हर फेस्टिवल में रश है। और देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर माता की मूर्ति बनाई हुई है। खेतरी ले लेते हैं, कल मम्मी ने खेतरी लगानी है। अरे आंटी ये खेतरी दे देना, ये वाली खेतरी, एक नारियल। रुको नारियल मैं देख लूँ, सही है? और ये आम के पत्ते भी दे देना। ये लो भैया। तो लास्ट चीज गोलगप्पे मम्मी के लिए, कल व्रत है ना, देखो कितना रश हो रहा है, सारे सबका व्रत होगा इसलिए सब गोलगप्पे खाने आए हुए हैं। तो भाई मैं मम्मी के लिए गोलगप्पे पैक करा रही हूँ, और यहाँ पे गोलगप्पे वाला भैया इसी भी कह रहा है कि मेरे को इतनी देर हो गई खड़े हुए, मैंने पानी नहीं लिया, क्योंकि कल से फास्ट है ना, तो सारे लोग टूटे पड़े हैं पूरी तरह। देखो अभी भी रश हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैंने इतनी देर से बोला है पैक नहीं हुआ अभी तक, लेकिन तो आ चुकी हूँ मैं घर, और आते ही मम्मी ने चालू कर दिया। देखा मैं आपको कह रही ना, ये देखो वहाँ पे कितनी सारी लेडीज मैंने आपको दिखाई ना, लगी हुई थी थोड़ा दर, क्योंकि सबको पता है ना कल से फास्ट है, तो सब पहले से ही निपटा लेंगे, और जैसे ही व्रत कम्प्लीट होएंगे ना उसके बाद फिर वापस भीड़ हो जाएगी दुकानों में, ऐसा रश रहेगा ना नवरात्रों खत्म होते ही, ऐसा रश नवरात्र खत्म होते ही, और करवा चौथ वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन भी दिखाऊंगा आपको इतना रश। तो अब कल से मम्मी 9 दिन तक भूखी रहने वाली है, तो आपका क्या कहना है? मेरे को कुछ नहीं कहना, भूखी रहना तो रहना है, भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है, ये हवा और धूप खाती है ना, लेकिन जिस दिन हम व्रत रखते हैं ना उस दिन, ऐसा मम्मी का कहना है कि मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अब हम भी सादा खाना खा लेते हैं, पहले हम करते थे जब हम व्रत रखते थे ना, तो शाम को बनती थी पूड़ियाँ कुट्टू के आटे की, और सिंघाड़े के आटे की, और आलू की सब्जी है क्या मेरी मजबूरी। हाँ, और जब हम व्रत नहीं रखते तो मम्मी सिर्फ सादा सा आलू बना के खा लेती है। लेकिन मेरा भी कल व्रत है, मेरा तो मंडे का व्रत है, तो मेरे 2 व्रत हो जाएंगे। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे। और कल रात को इतनी थकान हो रही थी मैं सो ही गई, मुझे पता ही नहीं चला वीडियोस देखते देखते। तो अब मैं इस लोग को यही पेन करी, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, और जिम जाने के लिए लेट हो चुकी हूँ।